नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देख चुके थे। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। याद रखिए, जितने भी हम लोग चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं वो सभी मैप्स या मानचित्र के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग मैप में दक्षिणी अमेरिका की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ है? तो ये है हमारा प्यारा, हमारी प्यारी पृथ्वी, और इसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत, ये ऊपर नेपाल है, नीचे है श्रीलंका, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये पाकिस्तान लगा हुआ है, फिर अफगानिस्तान पीओके से लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक, ऊपर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। ठीक, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार है। ठीक, ये चीन है ऊपर। ठीक, चलिए अब दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। ये अफ्रीका है पूरा, ये यूरोप है ऊपर, तो ये ऊपर है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अटलांटिक सागर है, ये मैक्सिको है, कैरिबियाई है, ये है नीचे हमारा दक्षिणी अमेरिका, वेनेजुएला, गयाना, सुरीनाम, कोलंबिया, इक्वाडोर, पीरू, पेरू, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना। ठीक है, ये है पूरा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये विषुवत रेखा गुजर रही है, ठीक है, भूमध्य रेखा। यहाँ दक्षिण दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर। चलिए इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली है कार्डिलेरा डोमिको, चिली के उत्तरी भाग में अटाकामा मरुस्थल के पूर्व मकर रेखा पर स्थित उत्तर से दक्षिण फैली एंडीज पर्वत की एक श्रेणी है। ठीक, फिर कार्डिलेरा रियल, एंडीज की मध्यवर्ती मुख्य श्रेणी जो बोलिविया के अल्टी पिलानो के पूर्व स्थित है। कार्डिलेरा ओरिएंटल एंडीज के पर्वत की उत्तर दक्षिण फैली सबसे पूर्वी श्रेणी है। तीसरा है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, दक्षिणी अमेरिका में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली कार्डिलेरा की सबसे पश्चिमी श्रेणी है ये। फिर है एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर टेरा डेल फ्योगो से पनामा तक 7 देशों में फैली टर्सरी युगीन पर्वत श्रेणी है, इसे कार्डिलेरा भी कहा जाता है। इसके पूर्व में कार्डिलेरा ओरिएंटल तथा पश्चिम में कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल स्थित है। एंडीज तथा दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है अकांकागुआ, 6,949 मीटर। फिर पकराइमा पर्वत, वेनेजुएला, गुआना तथा ब्राजील की सीमा पर स्थित पर्वत जिसका सर्वोच्च चोटी है रोराइमा। फिर ब्राजीलियन पर्वत, ब्राजील के पूर्व अटलांटिक महासागर तट के समांतर एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है पीको, क्या है, पीको डा बंदिरा। फिर टोमुक होमुक पर्वत, दक्षिण अमेरिका में सुरीनाम ब्राजील तथा फ्रेंच गुआना ब्राजील सीमा के सहारे स्थित एक पर्वत है। इनकी स्थितियों की बात करें तो यह है ब्राजीलियन पर्वत, कौन सा, ब्राजीलियन पर्वत, यह है पूरा ब्राजीलियन पर्वत। ब्राजीलियन पर्वत के बारे में याद रखना है, ब्राजील के पूर्वी अटलांटिक महासागर तट के समांतर एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च बिंदु है पीको डा बंदिरा। ठीक है, फिर है टोमोक होमोक एक पर्वत, ये टोमोक होमोक पर्वत है, और यही पकराइमा पर्वत है ये ऊपर। ठीक, ये तटीय श्रेणी है, और ये है एंडीज पर्वत जो 7 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, पर्वतमाला, कौन कौन से, कहां से कहां तक है ये होती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर टेरा टेरा डेल फ्यूगो से पनामा तक 7 देशों में फैली हुई है। ठीक है, टर्सरी योगीन पर्वत श्रृंखला है, इसे कार्डिलेरा भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी और दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एक ही है दोनों की,
आकांक्षा गुहा 6,969 मीटर। ठीक है, तो ये थे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रेणियां। बात करेंगे आगे हम लोग अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां।